ये प्रदर्शन बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर हो रहा है। कल इसी पटना में हर्ष राज नाम के छात्र नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इन तस्वीरों को देखिए, सोमवार दोपहर का वीडियो सामने आया है जिसमें नकाबपोश बदमाश कॉलेज कैंपस में ही हर्ष की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई ईंट लिए हुए है। इस सब हमले के बीच हर्ष की मौत हो गई। छात्र नेता हर्ष राज की हत्या ऐसे वक्त की गई जब पटना में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। इस घटना ने राजधानी के पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी है। चंदन नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, अभी इसमें हमने एक जो मुख्य अपराधकर्मी उसकी हमने गिरफ्तारी की है। चंदन यादव जो है अभियुक्त का नाम है, ये बीटा के रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अभियुक्त उस समय मौजूद था। ये हमने जो है टेक्निकल एविडेंस भी हमने इसमें समय में कलेक्ट किए हैं। ये उसी नकाबपोश चंदन यादव की तस्वीर है जिसने हर्ष राज की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर हर्ष राज की हत्या बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। सरकार एनडीए की है तो आरजेडी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बहुत दुखद है, लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते, अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग। सोशल मीडिया पर हर्ष हत्याकांड की तुलना जंगल राज से हो रही है। हर्ष पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। अभी लोकसभा चुनाव ने समस्तीपुर से एनडीए उम्मीदवार सांभवी चौधरी के पक्ष में प्रचार भी किया था। हर्ष एनडीए के नेताओं का करीबी था, लिहाजा हत्याकांड के बाद मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया है कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने छात्रों से शांति की अपील की है। बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्मम हत्या किया गया है, ये लोग दया के पात्र नहीं, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा, शिकंजा कसेगा। और मैं कहना चाहूँगा अपने नौजवान मित्रों से कि आप शांति बनाए रखें। बताया जा रहा है कि 9 महीने पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आरोपियों से हर्ष का विवाद हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए कल दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में उसकी हत्या कर दी गई। भूमिहार जाति से आने वाला हर्ष वैशाली जिले का रहने वाला था। पटना और आसपास की 8 सीटों पर अभी 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में हर्ष हत्याकांड सियासी मुद्दा बन गया है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू वीडिया।